हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं मोबाइल हॉटस्पॉट नॉट वर्किंग इन विंडोज़ 10। अगर आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट विंडोज़ 10 में वर्क नहीं कर रहा है तो उसको आप कैसे फिक्स करेंगे, वो मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पे बहुत से तरीकों से बताने वाला हूँ। आई होप कोई ना कोई मेथड आपके पीसी के लिए वर्क कर जाएगा। आपके पीसी में कौन सा मेथड वर्क करता है हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपको नीचे की तरफ लिखना है ट्रबल सूट नेटवर्क्स। देखिए ट्रबल सूट नेटवर्क आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये रहा ट्रबल सूट नेटवर्क। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए ये मिल गया। देखिए यहाँ पे नेटवर्क ट्रबल सूटर नीचे की तरफ देखेंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आपके नेटवर्क संबंधित जितने भी हार्डवेयर से लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए वाईफाई का डिवाइस लगा होता है या फिर आपने कोई दूसरा अडेप्टर अलग से लगाया हुआ है, उसमें किसी में भी कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और जो भी इशू होगा आप यहाँ पे उसको रीड कर पाएंगे, उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला तरीका। चलिए अब जान लेते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। मेरे लैपटॉप में पहले से ही मोबाइल का ही हॉटस्पॉट कनेक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग A30 मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ओके, चलिए अब दूसरा तरीका जान लेते हैं। दूसरा तरीका देखिए, नीचे की तरफ आप यहाँ पे देखेंगे ये सेटिंग में आएंगे। एक काम करिए, हम स्टार्टिंग से करते हैं, यहाँ पे सेटिंग में आएंगे और सेटिंग में नेटवर्क एंड इंटरनेट ओके, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ मोबाइल हॉटस्पॉट का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे चेंज अडेप्टर्स ऑप्शन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए वाईफाई स्मार्ट माइंड A30 मेरा पहले से मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, आपके केस में अगर आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट काम नहीं कर रहा है उस केस में आप यहाँ पे डिसेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको डिसेबल कर देंगे, फिर दोबारा से इनेबल करेंगे। ठीक है, और आपके केस में हो सकता है कि ये डिसेबल की जगह यहाँ पे इनेबल शो करें, मतलब आपका जो अडेप्टर है पहले से ही डिसेबल हो। ओके, फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे देखिए ये रहा शेयरिंग का ऑप्शन, आपको ये अलाउ कर देना है। अगर आपके केस में ये अनचेक है तो इसको चेक कर दीजिए और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए ये तो हो गए दो तरीके मैंने आपको बता दिए, सबसे पहले ट्रबल सूट का और उसके बाद आपको अडेप्टर की सेटिंग को चेंज करना होता है। ठीक है, चलिए मेरा पीसी में पहले से मेरा वाईफाई सही से चल रहा है तो आप अपने पीसी में कैसे करेंगे वो तो दो तरीके आपको बता चुका हूँ। तीसरा तरीका है रजिस्ट्री का, तो आप एक बार रजिस्ट्री को भी एडिट करके चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है REGEDIT। ठीक है, जैसे आप ये लिखेंगे तो आप ऊपर की तरफ देखिए ये इस तरह का आइकन आएगा, राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और यहाँ पे आपके सामने रजिस्ट्री ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। देखिए चलिए मैं इसको अभी कंबाइन कर लेता हूँ। देखिए रजिस्ट्री आपके सामने कुछ इस तरह आएगी, आपको यहाँ पे ये देखिए तीसरे नंबर पर एच की लोकल मशीन, इसके आगे की तरफ एक ड्रॉप डाउन एरो है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए बहुत से ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग को क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, ये देखिए कंट्रोल सेट 001 ये वाला ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको चूज़ करना है सर्विसेज को। आप यहाँ पे सर्विसेज चूज़ करेंगे, उसके बाद सबसे नीचे की तरफ आएंगे कि काफ़ी बड़ी एक लिस्ट ओपन हो जाएगी यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको WLAN SVC की एक सर्विस मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पैरामीटर का आपको ऑप्शन मिलता है, पैरामीटर को चूज़ करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे हॉटस्पॉट नेटवर्क सेटिंग, आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ रजिस्ट्री की फाइल यहाँ पे रखी हुई है, ये देखिए हॉटस्पॉट की एक फाइल है, आप इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये फाइल आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट करनी है, उसके बाद अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद चेक करिएगा हॉटस्पॉट ने काम करना शुरू किया है या नहीं किया, अगर नहीं किया तो चलिए चौथा मेथड हम फॉलो करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे डिवाइस मैनेजर। ठीक है, डिवाइस मैनेजर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके जितने भी हार्डवेयर्स हैं वो सब यहाँ पे शो हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उस हार्डवेयर को चूज़ करना है जो आपके नेटवर्क संबंधी है। तो देखिए यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर के सेक्शन में आपको सभी नेटवर्क संबंधी जितने भी अडेप्टर्स हैं वो सब यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ का अडेप्टर भी है, ये ब्लूटूथ अडेप्टर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये रहा वाईफाई का अडेप्टर, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है अपडेट ड्राइवर, आपको सबसे पहले ड्राइवर को अपडेट
अपडेट करना है। ड्राइवर अपडेट करने के बाद पीसी को रिस्टार्ट करिए, चेक करिए कि हॉटस्पॉट ने काम करना शुरू किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया तो एक काम करेंगे, इसको डिसेबल करेंगे, डिसेबल करने के बाद फिर दोबारा से इनेबल करेंगे और फिर चेक करिएगा। अगर नहीं करता तो फिर उसके बाद आपको लास्ट में अनइंस्टॉल कर देना है। आप जैसे ही अनइंस्टॉल करेंगे, अनइंस्टॉल करने के बाद आप पीसी को रिस्टार्ट करिए। जैसे रिस्टार्ट करें तो जो वाईफाई का अडेप्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। अनइंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली अपना ड्राइवर अपडेट कर लेगा और ऑटोमेटिकली रन करना शुरू कर देगा। तो देखिए, चार तरीके मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। आई होप कि आपके पीसी के लिए कोई भी तरीका काम कर जाएगा। आपके पीसी के लिए कौन से मेथड ने काम किया हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।